बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मटन ग्रिल, ठीक है। उसके लिए जो है मैंने मटन का गोश्त लिया है। अच्छा, आज जो है हमारे पास सिरका है, दही है, कच्चा पपीता है, काली मिर्च है, अदरक लहसुन है, नमक है और प्याज है, ठीक है। कितनी कितनी क्वांटिटी है मेरे पास? ये आधा किलो मटन का गोश्त है, एक टेबल स्पून भर के जो है वो सिरका है, एक कप जो है वो दही है, एक क्यूब मैंने इस तरह पीस के पपीते को क्यूब की शक्ल में जमा लिया था, अब एक क्यूब लिया है मैंने अदरक कच्चा पपीता पिसा हुआ, एक टेबल स्पून ये वाला मैंने लिया है काली मिर्चों का, एक टेबल स्पून ही मैंने ये वाला नमक का लिया है, और एक ये प्याज लिया है जिसको मोटा मोटा काट लेंगे, और एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सब चीज़ों को प्रेशर कुकर में चढ़ाएंगे, ठीक है। कुकर हमने ले लिया है, हम अपना इसमें गोश्त शामिल करेंगे सबसे पहले मटन का, उसके बाद जो है वो हम इसमें इस तरह मोटी मोटी काट के प्याज शामिल कर देंगे, ठीक है, मोटी मोटी रफली काट देंगे। उसके बाद सिरका, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन, एक से डेढ़ टेबल स्पून सिरका है, एक कप दही है, एक क्यूब कच्चा पपीता है, काली मिर्चें हैं, ठीक है, नमक है, और जो है हम इसमें दो प्यालियाँ ये वाली हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि दही भी अपना छोड़ेगी, एक प्याली और डालूंगी। तीन प्याले हमने पानी शामिल किया, ठीक है, इसको एक दफ़ा हिलाएंगे, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, हमारा कच्चा पपीता भी घुल गया जो हमने क्यूब्स लिया था, ठीक है। अब हम इसको ढक्कन लगा के लगा दिया, सीटी लगाएंगे, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया हमने सीटी लगा के, अब चूल्हा ऑन कर रहे हैं और इसको पकने के लिए चढ़ा देंगे। जैसे ही ये विसल घूमने लगेगी तो उससे 15 से 20 मिनट तक बस पकाएंगे। देखिए सीटी घूमते हुए घूम रही है ना, पूरे 20 मिनट होंगे तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। चूल्हा बंद करके कर लिया, सही है। अब हम इसको जो है वो मैं पतीला चेंज कर रही हूँ, ठीक है। 20 मिनट पकाया था हमने, चूल्हा बंद कर लिया, ठीक है। अब इसको चेंज कर लिया, चूल्हा जला लिया, इसने देखे अपना घी और तेल भी निकला है ना। अब हम सिर्फ इसमें थोड़ा सा बस ये इतना तेल डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फ्राई करेंगे ऑयल में, ताकि ज़रा एक शाइन सी आ जाए। देखिए हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह घुल गई है और मसाला जो है वो हमारे इस पर कोट हो जाए। बस हम ऐसे फ्राई करेंगे 1 मिनट से 2 मिनट, ठीक है। बस चूल्हा बंद, खूबसूरत सी शाइन भी आ गई और हमारा ये तो पक्के तैयार ही हो चुका, ठीक है। चूल्हा बंद, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। फिर मैं जो है वो प्याज के लच्छे और नींबू रखा है जो कि इसके साथ बैस जाता है। और हम इसकी खीरे से साइडों से जो है वो खीरा लगा के स्लाइस करके उससे भी इसको तैयार करते हैं। प्लेटर में जो है वो प्याज और लेमन के स्लाइस लगा के तो तैयार किया हुआ था, थोड़े से खीरे के भी स्लाइसेस लगा दिए क्योंकि खूबसूरत लग रही है, ठीक है। और एक लेमन स्लाइस हमने इस पर रखा है। हमारी मज़ेदार सी मटन ग्रिल रेडी है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और अगर चाहें तो पराठे वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।